और पूछती है माँ गंगा यमुना अविरल धारा। स्पेशल दीप भूमि की उत्तराखंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज दीप भूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला के विकासखंड चिन्यारी सौड़ बड़ी टीम में खड़ी है और ऑल वेदर रोड का काम चल रहा, लगातार वर्षा भी हो रही देव भूमि में। और ये है नेशनल हाईवे गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाला मार्ग, बड़ी थी ये जगह है। कई महीनों से जनता बहुत परेशान है, ये रोड के बुरे हाल हुए पड़े हैं, मार्केट बिल्कुल सूना है, बिजनेसमैन भी बहुत परेशान है। मेरे दोनों तरफ ये मार्केट है बड़ेती का, ये आने वाला रोड, और लगातार लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं कि दीवार क्यों नहीं दी जा रही। कई मकान अब ढहने के कगार पर खड़े हैं और मेरे बाईं तरफ कई मकान हैं ये आगे जो ढहने के उसमें, और ये मकान सामने वाला पूर्व में कांग्रेस सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री और कई सरकारों में मंत्री प्रीतम सिंह पंवार जी का मकान है, जहां पर कल प्रातःकाल दीवार टूट गई थी। और ये देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर जेसीबी यहां पर मुझे काम करता हुआ नज़र आ रहा, यानी तुरंत जेसीबी पहुंच जाता है काम करने के लिए। लेकिन आगे भी कई ऐसे मकान आ रहे हैं जो बिल्कुल कई टूटने के कगार पर खड़े हैं। तो क्या मंत्री साहब, आप तो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अभी आप धनोल्टी के विधायक हैं, यमुनोत्री के विधायक भी रहे, आप जनता में आपकी बहुत ही अच्छी पकड़ और पैठ है, कहीं ना कहीं तीन बार लगातार आप जीते हैं। वर्तमान में आप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर के कांग्रेस से और आज बीजेपी में आपका रुतवा चलता है, और कहीं ना कहीं काम भी यानी प्लान और एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई है आपको इतने जल्दी काम करवाने के लिए। बहरहाल मंत्री साहब, यदि कोई इन भोली भाली जनता के भी सुध लेगा क्या, कब इसके लिए भी कभी मंत्री या सरकार प्लान बनाएगी इतनी कोई कि जो जनता बिजनेस लोगों का ठप हुआ पड़ा है, कई दिनों से दीवार नहीं बन पा रही है। सामने की तरफ बिल्कुल मेरे 40 मीटर की दूरी पर है इंदिरा टिपरी जाने वाला मार्ग, और ये मकान कई बिल्कुल ढहने कगार पर खड़े हैं। तो है कोई जो इनकी सुध लेगा, क्या इन मकानों की दीवार भी दी जाएगी? जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ और हलवाल जी जो यहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके सौजन्य से काम चल रहा है, जब उनसे जाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनका कहना है कि मात्र 10 से 15 मीटर की दीवार दी जाएगी, यानी मात्र मंत्री साहब तक की ही दीवार दी जाएगी। लेकिन ईद की दीवार कौन देगा जो आगे मकान ढहने वाले हैं? फिर क्या इन लोगों को चक्कर लगाना होगा इस तरीके से भी कोई जनता की सुध देगा? एक बड़ा सा कोबरा मुझे नज़र आया और पूछते हैं मेरे प्रोग्राम में माँ गंगा यमुना की अविरल धारा, कब जनता सुध लेगी, कब जनता और जनता की नुमाइंदगी करने वाले नेता लोग कुछ जनता को सोच पाएंगे? देखिए, और हमारी मुहिम न रहेगा देव में भ्रष्टाचार, न रहेगा भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी की खैर नहीं। जय हिंद, जय भारत।